हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ्स क्लासेस। और मैं लेकर आ गई हूँ इस वीडियो में एक नया स्टोरी एक्सप्लेनेशन, जो कि है एक एसोप्स फेबल। और द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द हेयर विद मैनी फ्रेंड्स। तो हेयर और उसके दोस्त, उसके कई सारे दोस्त, क्या है इस कहानी में, कौन हेयर है, क्या है उसके दोस्तों की कहानी, क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ जंगल देयर वॉज अ हेयर हु वॉज वेरी फ्रेंकली। एक समय की बात है, एक जंगल में खरगोशनी हुआ करती थी जो कि बहुत ही फ्रेंडली थी। शी लाइक्ड ऑल द एनिमल्स इन द जंगल। जंगल के सभी जानवरों को वो बहुत पसंद करती थी। एंड दे ऑल सेड दैट दे वर हर फ्रेंड्स। और वो सभी कहते थे कि वो खरगोशनी के दोस्त हैं। वन डे द हेयर सॉ सम हाउंड्स कमिंग टूवर्ड्स द जंगल। एक दिन खरगोशनी ने कुछ हाउंड्स को जंगल की तरफ आते हुए देखा। शी वॉज क्वाइट स्केयर्ड, वो काफ़ी डर गई थी। बट शी थॉट शी वुड बी सेव विद द हेल्प ऑफ हर मैनी फ्रेंड्स। लेकिन उसने सोचा कि वो अपने बाकी दूसरे दोस्तों की मदद से बिल्कुल सेफ रहेगी। तो क्या एक्चुअल में उसके दोस्तों की वजह से वो सेफ हो जाती है या नहीं, देखते हैं इस कहानी में। फर्स्ट द हेयर रैन टू द हॉर्स। सबसे पहले खरगोशनी घोड़े के पास दौड़ी। And asked him to carry her away from the hounds on his back. और घोड़े को कहा कि वो उसको अपनी पीठ पर बिठाए और हाउंड से काफ़ी कई दूर लेकर चली जाए। To her surprise, the horse said, "I cannot help you." लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब घोड़े ने कहा मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता, I have some important work to do for my master. मेरे पास कुछ बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे मेरे मास्टर के लिए करना है। I am sure All your other friends would come to your help. मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे जो बाकी दोस्त हैं वो तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। The hare then went to the bull. उसके बाद घोड़े का जवाब सुनकर अब खरगोश ने बुल के पास गई और बुल से कहा and asked him to scare away the hounds with his horns. और बुल को कहा कि वो अपने सींगों से हाउंड्स को डरा के भगा दे। बट द बुल सेड, लेकिन बुल ने कहा आई हैव टू मीट अनदर फ्रेंड, मुझे मेरे एक दूसरे दोस्त से मिलना है। आई एम श्योर दैट अवर फ्रेंड द गोट विल डू वट यू वॉन्ट, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा दोस्त गोट वो ज़रूर करेगा जो तुम चाहती हो। द गोट हाउ एवर शुक हिज हेड एंड सेड। हाँ, उसके बाद जो भी हुआ, खरगोशनी गोट के पास गई, बकरे के पास गई और बकरे ने अपना सर तो हिलाया, कहा ये कहते हुए आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बट यू माइट गेट हर्ट, लेकिन तुम हर्ट हो सकती हो इफ़ यू सिट ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी पीठ पर बैठी तो। द रैम, भेड़, आई एम श्योर इज़ द प्रॉपर फ्रेंड टू गो। तो मुझे पूरा यकीन है कि भेड़ बिल्कुल सही दोस्त है जिसके पास तुम्हें जाना चाहिए। तो अब होना क्या था, वो गई रैम के पास, भेड़ के पास वो गई। बट द रैम टू रिफ्यूज्ड सेइंग, लेकिन भेड़ ने भी एकदम साफ साफ मना कर दिया ये कहते हुए आई डू नॉट थिंक आई कैन हेल्प यू दिस टाइम, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एज हाउंड्स ईट शीप एज वेल एज हेयर्स, क्योंकि हाउंड्स जिस तरह से खरगोश खाते हैं उसी तरह से भेड़ों को भी खा जाते हैं। The hare then went as a last hope to the calf. और एक आखिरी उम्मीद के तौर पर खरगोश ने एक बछड़े के पास गई। The calf looked scared and said, तो बछड़ा काफ़ी डरा हुआ नज़र आया और उसने कहा I am sorry when so many old animals cannot be of any help to you. How can a young animal like me do anything? जब तो बछड़े ने कहा कि जब इतने सारे बड़े बड़े जानवरों ने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया, जब वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, तो मुझ जैसा एक बेचारा सा बछड़ा तुम्हारी क्या ही मदद करेगा। बाय दिस टाइम, और अब तक द हाउंड्स वर क्वाइट नियर, हाउंड्स काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। सो द हेयर रैन अवे एज फास्ट एज शी कुड। तो इसीलिए हेयर जितना ज़ोर से, जितना स्पीड से हो सकता था उतना स्पीड से वो वहाँ से भागी और लकीली शी एस्केप्ड। फाइनली वो वहाँ से भागकर बच निकली। बट शी लर्नड अ लेसन दैट डे, लेकिन उसने एक लेसन सीखा उस दिन। और क्या था वो लेसन? इन टाइम्स ऑफ डेंजर, मुसीबत के समय, वी शुड डिपेंड अपॉन आवर सेल्व्स, हमें
अपने ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए एंड नॉट ऑन अवर फ्रेंड्स, ना कि हमारे दोस्तों के ऊपर। तो ये थी हमारी कहानी द हेयर विथ मैनी फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से खरगोश ने सभी को अपना दोस्त मानती थी, लेकिन क्या वो दोस्त उसको वाकई में अपना दोस्त मानते थे? नहीं ना, राइट। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारे पास कितने भी दोस्त हों, लेकिन हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की बजाय, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, किसी के ऊपर भी डिपेंड ना होकर हमें सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि अपनी मदद हम खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि एक सेइंग है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो गॉड भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कैसा भी सिचुएशन हो, हम हमेशा अपने ऊपर या अपने सिवाय किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक द स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।